नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ अभिनव कुमार की रिपोर्ट। खबर वैशाली के राघोपुर से है, जहां राघोपुर थाना के सैदाबाद एवं मलिकपुर पंचायत में भूमि विवाद में चली आधा दर्जन गोली। इस घटना में गोली लगने से 25 वर्षीय सरोज राय गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया। इस घटना में दो अन्य लोग भी ईंट के चोट से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 10 वर्षों से 8 बीघा जमीन को लेकर सैदाबाद के विलास राय एवं मलिकपुर के सच्चिदानंद राय के बीच मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल जमीन विलास राय के कब्जे में है। घटना के संबंध में घायल सरोज कुमार ने बताया कि बीते गुरुवार को जमीन की जुताई हम लोग किए थे। आज दोपहर हरवे हथियार से लैस होकर सच्चिदानंद राय के पुत्र मुकेश कुमार एवं राजीव कुमार दोबारा उसी जमीन को जोतने लगे। विरोध करने पर मुकेश राय ने मुझे गोली मार दी। मुकेश राय गोली चलाया। अच्छा। उस सुरिंदर राय भी था और उसको जितना जो परिवार जो है, बेटा भतीजा सब था, हर डबल परिवार है। वो ही नहीं, पुलिस को आने, हम पुलिस के भीड़ तो हम अपने तो चोट लगा तब आए सर, जो भागा है और उसके बाद में ट्रैक्टर हम ही रोक रहे थे उसको, आई हम सलाह से कर रहे थे कि नहीं जोतवाइए। अभी किए हैं हम रास्ता में, हमको भेटा है। क्या गोली मारा है? किसी की हम तो नाम जानते हैं, तो ये हो गया के गोली चलाया के गोली थे। मुकेश राय है पिता के नाम, पिता के नाम उसका क्या है?